और चले हम दुआ करें। दुआ करो कि तुम आजमाइश में ना पड़ो। ए बाप, अगर तेरी मर्जी हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। तुम क्यों सो रहे हो? उठो, जागो और दुआ करो कि तुम आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा, क्या तुम बोसा लेके इब्ने आदम को पकड़वाता है? गिरफ्तार करो इसे। बस करो, बहुत हो चुका। अपनी तलवार को मैदान में रखो। चमत्कार? अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या तुम मुझे डाकू समझ के पकड़ने आए हो तलवारें और लाठियां लेकर? मैं हर रोज तुम्हारे साथ हैकल में था, तब तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, और अब रात के अंधेरों में मुझे पकड़ने आए हो। इसे गिरफ्तार करो, ले चलो। तुम क्या कहते हो? मैं इसे नहीं जानता।
ये भी यीशु के साथ था, ये भी गलीली है। क्या क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानता इसे, ये कौन है? बस करो, मैंने कहा बस करो, इसे मजलिस में पेश करो। चलो हे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा, ये मुझसे क्या हो गया खुदा, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा, तूने हमारे बाप दादा को माफ किया खुदा जब वो तेरे खिलाफ थे, तूने हमको अपनी अजीम कुदरत के हिसाब से माफ किया, अरे मुझसे क्या हो गया खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा, परमेश्वर खुदा मेरी इस गलती की माफ मुझे दे दे खुदा। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमें बताएं क्या आप ही मसीह हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम विश्वास नहीं करोगे। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। लेकिन अब से लेके इब्ने आदम पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा करेगा। तो क्या तुम ही खुदा के बेटे? ये मैं नहीं तुम कह रहे हो। तुम सब ने सुना इसने क्या कहा? झूठ बोलता है ये। इसको ये कहने का अधिकार किसने दिया? इसने जो कहा हम सब ने हमारे कानों से सुना है। इसे पिलातुस के पास ले चलो। चलो एक बार फिर जोरदार तालियां। तुम लोग सुबह सुबह यहाँ क्या लेने आए हो? ये आदमी लोगों को बिगाड़ रहा था। इसने हैकल के बाजार में मच्छर बचा दी थी। इसकी सजा क्या होगी? मुझे इस आदमी को कोई सजा देने की वजह नजर नहीं आती। हमारे ख्याल में ये कसूरवार है। ये केसर को महसूल देने से मना करता है। हमें बताइए इसकी सजा क्या होगी? वो मसीह होने का दावा करता है और बादशाह भी। बादशाह? हमें बताएं क्या आप यहूदियों के बादशाह हैं? तुम भी यही कहते हो। शुरू तो इसने गलील में किया था, अभी यहां भी आ गया है। गलील में? क्या ये आदमी गलीली है? फिर तो इस मामले का हल हेरोदेस ही करेगा। फिलहाल वो अभी यरूशलम में है। मैं हुक्म देता हूं इसको यरूशलम लेके जाएं। चलो।
जय हो। तो तुम ही यीशु हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? वो कौन है जिनको तुम अपना शागिर्द कहते हो? सुनने में आया है कि तुम बहुत से चमत्कार दिखाते हो, जरा मुझे भी तो कुछ करके दिखाओ। ये जो बातें कहता है वो परमेश्वर की निंदा में आती है। आप सबने सुना और देखा भी, ये परमेश्वर की निंदा करते हुए पकड़ा गया। और ये आदमी अपने आप को बादशाह भी कहता है। बादशाह? ये आदमी और बादशाह? बादशाह सलामत, इसे खूब मारो। इसे पिलातुस के पास ले जाओ, यह उसका कसूरवार है। तुम लोग इसको लेके फिर यहां आ गए। मैंने कहा था मुझे इस आदमी को सजा देने की कोई वजह नजर नहीं आती। मैं इसको कोड़े लगा के छोड़ दूंगा। सजा के पर यह रिवाज है कि किसी एक कैदी को रिहा किया जाए। हम चाहते हैं कि इस बार बरअब्बा को रिहा किया जाए। हमें बरअब्बा चाहिए। इसे सलीब दो। सिपाहियों इसको कोड़े लगाओ। हमको बरअब्बा चाहिए। इसे सलीब दो और बरअब्बा को रिहा करो। हमें बरअब्बा चाहिए। इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। हमें बरअब्बा चाहिए। ये तुम लोग हो जो कहते हो इसको सलीब दो, मैं नहीं। सिपाहियों बरअब्बा को रिहा करो और इसको सलीब दो। मैं इसके खून से बरी हूं। Oh, man.
मारो, ये मेरा यीशु है, वो मैं गुनाह नहीं किया। क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या तू मसीह नहीं तो हमें और अपने आप को भी बचा। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही सजा पा रहा है और हम अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, पर इसने कोई गलत काम नहीं किया। ए परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद रखना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हे नारी, ये तेरा बेटा है। चेले, ये तेरी मां है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? मैं प्यासा हूं। ए बाशी सरावन, थोड़ा पानी तो पिलाओ। ए पिले पिले, लो पियो। पूरा हुआ। ए पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में देता हूं। ए जाके देखो, बाशी सरावन की जिंदा भी है कि मर गए।